इधर कानपुर में आरोपी का पुलिस वालों पर हमला, यह खबर मिल रही है। आरोपी के हमले में दरोगा और सिपाही घायल बताए जाते हैं। आरोपी पर दरोगा का गला दबाने का भी आरोप। आरोपी के गला दबाने से दरोगा की मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। लोग शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उसको पूछताछ के लिए थाने ले जा रही थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। इसके क्रम में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य जो विधिक कार्रवाई है इसी क्रम में अमल में लाई जा रही है। इधर बरेली में दरोगा पर महिला को छत से धक्का देने का बड़ा आरोप लगा है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के घर फतेहगंज पूर्वी थाने की पुलिस ने दबिश भी दी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कोर्ट और डीजीपी ने उन्हें फटकार लगाई थी और फटकार के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला के घर पर दबिश भी दी थी। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना इलाके का सारा मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी और फटकार के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला के घर पर दबिश भी दी थी। महिला को छत से फेंकने का बड़ा आरोप दरोगा के ऊपर। बरेली में महिला की हालत गंभीर, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के घर फतेहगंज पूर्वी थाने की पुलिस ने वहां पर दबिश दी थी। अगली खबर मोहनलालगंज से। कार समेत लापता राम अचल का शव मिला है। 8 दिन पहले हुलासखेड़ा गांव से बुकिंग पर कार लेकर निकले थे राम अचल और पत्नी की शिकायत पर जांच के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। दोस्तों पर 1,00,000 रुपए के लिए हत्या करने का आरोप है। लोहे की रॉड से सिर पर मारकर राम अचल की हत्या करने का आरोप उनके ही दोस्तों के ऊपर है। दोस्तों ने एक दुकानदार के पास कार को गिरवी रखवाया गया और हत्या के बाद मजरा मेड़ई खेड़ा गांव के बाहर इस शव को फेंक दिया गया था। 4 फरवरी को पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट से पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों तक पहुंच गए। आरोपियों ने पुलिस सहायता केंद्र से 100 मीटर दूर कुएं में शव को छिपाया था। आरोपियों की निशानदेही पर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।